ये देखो मेरे घर में अचानक क्या हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की थी यार। हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे। ये देखो ये जो ऊपर का वॉल आपको दिख रहा है ना, पता नहीं कैसे खुद ब खुद टूट टूट के पूरा, ये देखो यहाँ पे पूरा मेरे पौधे जो है डैमेज हो गए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मतलब इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है ना। हम लोग सोए हुए थे, अचानक ऐसा लग रहा है कि कुछ आवाज़ कर रहा है। हम लोगों को लगा बाहर से कुछ मीन्स गिर रहा होगा, हम लोगों को लगा दैट बाहर से किसी ने कुछ फेंका होगा। बट जब मैंने देखा हमारे तो होश उड़ गया है, थैंक। ये देखो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, स्पेशली ये पीस लिली का पौधा मैं इतनी दूर से लेके आई थी, ये देखो पूरा टूट गया है यार। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है ना, एंड इसको सपोर्ट देके देखती हूँ किसी चीज़ से मे भी थोड़ा सा ये ठीक हो जाए। तो टीचर में ये देखो पौधे हैं ना यार, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक्चुअली देखो जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी, लाइक बहुत पुरानी है, लेकिन कोई इशू नहीं हुआ है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम कोलकाता में लिटरली 4-5 दिन से बारिश हो रही है, 5 दिनों बाद हमने धूप देखा है। सो सीलन की वजह से वहाँ से मीन्स दीवार जो है, एक तो पुरानी मीन्स बिल्डिंग थी, पूरा निकल गया थैंकफुली नीचे। एक्चुअली आप ये एरिया देख रहे हो ना, ये पीछे का रास्ता है, तो भी आता जाता नहीं है, लेकिन ये अगर फ्रंट रोड है, ये बिल्कुल मेन रोड है, जैसा मैं बीच बीच में आपको दिखाती हूँ। तो अगर इस साइड का कुछ भी प्रॉब्लम होता ना, तो पता नहीं क्या हो जाता, किसी को भी इंजरी हो सकती थी, सर पे चोट लग सकती थी। बट कहते हैं नारायण की कृपा है कि किसी को चोट नहीं लगी, बिकॉज देखो किसी को, चाहे वो चीज़ हम लोगों ने जान के किया हो या ना किया हो, लेकिन किसी को इंजरी होना खुद में एक बहुत गिल्ट फील होता है। तो पता नहीं यार सुबह का दिन ही ऐसा गया है, एंड मुझे अपने पौधों को देख के इतनी ज़्यादा मीन्स दुख हो रहा है यार। जो भी पौधे लगाते हैं या किसी भी चीज़ से जुड़े, उनको पता होगा कि कितनी मेहनत करते हैं हम। मैं इन लोगों की देखभाल करती हूँ, खाद पानी देना, अपने बच्चों की तरह बड़ा होते हुए जब देखती हूँ, पौधे फूल आते हुए देखती हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है। एंड मीन्स मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले ये जो सारा मेस हुआ है उसको क्लीन करूँगी, एंड क्लीन करने के बाद में जब थोड़ा टाइम मिले, लाइक अभी तो सुबह का टाइम है, सब कुछ काम करना बाकी है, उसके बाद में देखती हूँ कि पौधों को मीन्स थोड़ा सा तो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छे से रखना पड़ेगा। तो क्या जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर रही हूँ। एंड क्लीनिंग करके ये देखो मेरे पास एक मॉस स्टिक था, क्योंकि सिंगोनियम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, एंड पीस लिली की भी हालत बहुत ख़राब है, तो मेरे पास एक ही मॉस स्टिक था, तो वो मैंने सिंगोनियम में लगा दिया। बिल्कुल दीवार इतनी मीन्स पार्ट्स में टूटा है, बहुत सारे उसके जो कण हैं वो आ गया, तो उसे ही मैं क्लीन कर रही हूँ। यहाँ वहाँ बाकी जो सारे काम है वो निपट गया, अभी किचन में कुछ काम है तो कर रही हूँ। एंड अरु यहाँ पे क्या कर रहा है? अरु किसमिस पानी पी रहा है ना, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह यार सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि समझ में नहीं आता कैसे सब कुछ मैनेज करूँ। इतने दिन से आटे एंड वो भुजिया का पैकेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा आलस आता है ना कि लगता है कि बस जो सामान जहाँ पर पड़ा हुआ है वहीं पे पड़ा हुआ है। सो आज ऐसे भी आटा ख़त्म होने वाला है, तो उसका कंटेनर धो के एंड उसे दान डालूंगी। एंड ये देखो आप, मैं आपको कितने दिन से मैं शेयर करने, इसमें है मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल जो रहता है। एक्चुअली अगर आप फिनाइल डाल के या फिर नमक डाल के घर पोछते हो, तो वीक में आप 2 डेज हल्का सा, जैसे हम एसेंशियल ऑयल डाल के घर को पोछते हैं ना, उसी तरह आप ये मिट्टी का तेल डाल के अगर घर पोछोगे ना, आपके घर में डीप क्लीनिंग होगी। लाइक लिटरली जितने भी फर्श पे कभी कभी गंदगी होती है, जैसे हम वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते हैं, उसी तरह मिट्टी तेल डाल के आप एक बार पोछा लगाना, आप सच में बहुत आपका घर क्लीन हो जाता। मैं हमेशा करती हूँ, एंड ये मैं जो है रख देती हूँ पोछा लगा के। एंड ये देखो ये नाइटी धोना है, कितना काम हो जाता है यार। ये देखो मेरे बच्चे लोग ये ब्रश करके वॉशिंग मशीन के ऊपर ब्रश है, इसीलिए लोग पिटाई खाता है, ये नहीं जगह पे रख दो छुटकू का हाथ नहीं पहुंचता है। देखो सर्दियों का मजा लिया जा रहा है, उसका क्लास एक ओवर हो चुका है, एक स्टार्ट होने वाला है। सो और बाकी के काम, आज नाश्ता भी क्या बनाओ यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि खाने में क्या बना। आज जो है थोड़ा सुबह जल्दी उठ गई, तो सोचा कि ये सारे काम कर लेती हूँ। एक्चुअली ये जो है ना बहुत गंदा हो गया है, तो इसको सोचा कि क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के लिए सोच रही थी बट नहीं कर पा रही थी, तो सोचा फाइनली आज जो है, पवन बहुत सुबह चले गए, वो 1 घंटा में आ जाएंगे, तो काम है, वो 6 बजे उठ के गए हैं। एंड उन्होंने ही मुझे कॉल करके उठाया है कि उठो रीशू का जो है मीन्स ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो उसका क्लास करवाओ। ये बहुत सिंपल है क्लीन करना, जस्ट थोड़ा सा
आपने सरफ या साबुन से इसे धो देना होता है। कि अगर आपके पास भी है तो ये देखो थोड़ा सा, बस आप थोड़ा सा वॉश कर दोगे ना ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये पेंट किया हुआ है तो आप अच्छे से इसे धुला दो। अब ये देखो ये क्लीन हो गया है, इसको थोड़ा सा मैं धूप में रख दूंगी, सुखा दूंगी, ताकि एंड सुखाने के बाद में बिल्कुल चकाचक हो गया ये। हाय चक्का चक चक्का चक, अभी एक गाना आया है ना, हाय चक्का चक चक है तू, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है। सो इसको बस धूप में सुखाती हूँ। देखो काम के साथ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, काम तो आपको करना ही है, चाहे मुँह लटका के करो चाहे हंसी खुशी करो। तो इसको मीन्स रखती हूँ अभी। चलो इधर का तो क्लीन हो गया, एंड ये जो नीचे रखा है ना उसको भी क्लीन करना है, लेकिन बाद में करूंगी नहीं तो नाश्ता बनाने में लेट हो जाएगा। Bitter sweet and I'm walking slow. बेडशीट लगा के रखती हूँ ना यार, कवर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, एंड इसके लिए मुझे सोफा थ्रो लेना है। तो बेडशीट क्या है कि उठा के मैं वॉश कर सकती हूँ, बट सोफा कवर को खोलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत लंबा है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। कवर ले लेती हूँ। विच वन से WRIT क्या हुआ वो? राइट 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 मीन्स लिखना। यस वो अपना होमवर्क बना रहे हैं। गो एंड फिनिश योर होमवर्क, गो गो गो। ये देखो डोरमैट पोछा लगाया, तो सारे डोरमैट जो है जगह पे रख देती हूँ। ये यहाँ का है, ये जो एक है ये मैं बाहर में जाके अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये मोटा मोटा है ना यार, घर में अच्छा से होता नहीं है। इसमें एक यहाँ पे है, एंड विंटर में देखो आपको चप्पल, ये छुटकू का डॉगी यहाँ पे रखा हुआ है, एंड ये एक डोरमैट जो है वो किचन के पास का है। तो ये देखो अभी से रात की तैयारी हो रही है, अभी साफ कर रही थी तो डब्बे में ये दिख गया, तो सोचा कि रात को यही बना देती हूँ। तो अच्छे से इसको सोक करके रख देती हूँ रात तक, ये बहुत अच्छे से मैं शाम को बनाऊंगी, थोड़ा और डाल देती हूँ। एंड आजकल मेरा ये कॉर्नर बहुत फेवरेट हो गया है, ये देखो लाइट है, एंड मैं जब शूट करते टाइम जो लाइट यूज़ करती हूँ ना उसको इसी तरह रख देती हूँ, वो भी फ्रिज के ऊपर, बिकॉज़ अगर इसको फोल्ड करके रखो ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड ये तो आपको दिखाया था ना कि उस दिन मैगनेट लगा के लगाया था, एंड इसका वीडियो भी जाना बाकी है। तो ये कॉर्नर बहुत अच्छा लग रहा है, देखो मेरा घर है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही, आपको कैसा लग रहा है? कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ। अरु पढ़ाई कर रहा है, करो करो, पढ़ाई करेगा तभी तो मेहनत का फल मीठा होगा, है ना? मेहनत करेगा तभी तो फल मिलेगा। वो पढ़ाई कर रहा है, एंड मैं जो है अपना किसमिस पानी एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा अरु से पूछो कि अरु तुमको क्या बनना है? अरु हाँ इससे फुटबॉलर या डॉक्टर, दो ऑप्शन रखा है इसने। अब पता नहीं बड़ा होगा कितने ऑप्शन आएंगे, लेकिन ऐसा होता था ना, लेकिन देखो हम भी जब बच्चे होंगे तो हम लोगों के भी डैड कोई पूछता होगा आपको क्या बनना है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम होगा, किसी की कुछ ख्वाहिश होगी। तो मैं भी जब छोटी थी तो मुझे मीन्स एयर होस्टेस बनने का बहुत मन था, बहुत। एंड मैं जब मैंने 12 पास आउट किया था तो मैं गई भी थी, लेकिन मेरे पापा के पास इतना रोकड़ा नहीं था ट्रेनिंग के लिए तो मैं नहीं कर पाई। तो देखो लाइफ के अनुसार मीन्स आपके सामने जो सिचुएशन आती है उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी या यूट्यूब पर वीडियोस बनाऊंगी, तो ये मेरी एक ज़रूरत एंड मेरे अंदर जो कुछ करने की चाह थी मुझे यहाँ तक लेके आई। लेकिन हर किसी का एक बचपन में ड्रीम होता है कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है। टचवुड अगर मीन्स आपका भी कोई ड्रीम है तो मैं बोलूँगी कि आपका पूरा हो, या आपके बच्चों का कोई ड्रीम है तो पूरा हो। बट सच में लाइफ आपको जो भी ऑफ़र देती है, ईश्वर आपको जो भी ऑफ़र देता है आपकी सोच से बहुत अच्छा रहता है। लाइक अगर देखो मैं एयर होस्टेज होती तो शायद यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो हर मीन्स बात में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। बहुत ज्ञान दे दिया आज मैंने, तो मैं अपना किसमिस पानी पीती हूँ, एंड पानी गर्म होने के लिए दिया हुआ है क्योंकि ठंड जो बढ़ गई है, एंड ठंड उतरी भी नहीं है, लेकिन मुझे
मीन्स हमारा पानी जो है टंकी में स्टोर रहता है तो बहुत ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए जो मीन्स पानी है मैं हल्का सा गर्म करके नहाती हूँ, तो बस ये ख़त्म करके नहाने जाना है मुझे। ये देखो मेरे घर में आया है एक ट्रे अंडा, तो इसको खोल के अभी रखना पड़ेगा, आज इसी का वेट कर रही थी तब से। Bittersweet and I'm walking slow, sensitive, feel the afterglow, looking for things that I can't control, fear from my past cause it always shows, do I wanna try, can I let it go? Thodi si kuti bhi black pepper, salt, thoughts in my mind, constant deja vu. ये देखो धोया है, ये शायद bittersweet and I'm walking slow, sensitive, feel the afterglow, looking for things that I can't control, feel from my past cause it always shows, do I wanna try, can I let it go, running from the past, wanting to be sure, chaos in my mind, constant deja vu, but every time, it comes back to you, ऑमलेट बचा हुआ था, मीन्स अंडा बचा हुआ था, तो मैंने बना दिया, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। लो ऋषि तुम्हारे लिए छुटकू ऑमलेट, तुम करो। मेरे हाथ में क्या है, ये कॉफी है, सॉरी लाइट जो है थोड़ी खराब आ रही होगी, अभी मुझे जेरॉक्स करवाने जाना है। एक्चुअली रिशु का एक बुक नहीं है, तो वही उसके फ्रेंड से मैंने मांगा है, वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, तो बस जाके जेरॉक्स करवाऊंगी। अरु हाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है रू? जेरॉक्स करवाने, जेरॉक्स करवाने। सो अभी हम लोग जेरॉक्स करवाने के लिए आए, जेरॉक्स का छोटा सा दुकान है तो वहीं पे आए हैं जेरॉक्स करवाने के लिए बस। अरु क्यों आया तुम मेरे साथ? आना था, क्यों आना था? इतना दिन से नीचे नहीं उतरे थे। ये सारी सब्जी जो है ये देखो अब स्टोर कर दी है, मैं इसी तरह प्लास्टिक में बांध के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो जो नेट रहती है ना वेजिटेबल नेट वो नहीं है, तो वो ऑनलाइन देखा था बट मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा, तो ऑफलाइन मैं उसे खरीदूँगी। ये देखो इसे स्नो पीस बोलते हैं शायद इंग्लिश में, सीम हिंदी में बोलते हैं। ये धनिया पत्ता, यहाँ पे गाजर एंड सारे विंटर्स स्पेशल है। ये एक छोटी सी फूल गोभी है, यहाँ पे बैंगन, और इधर देखो टमाटर, कैप्सिकम। ये कैप्सिकम कल बना दूंगी, क्योंकि ये कैप्सिकम थोड़ा सा मीन्स मुरझा टाइप का गया है। मूली है, पत्ता, प्याज। सो इसको चलो फ्रिज में डालती हूँ। दो दिन से सोच रही हूँ कि ये ब्लॉग जो है अपलोड करूँगी। मैंने एडिट करके रखा हुआ है, तो अभी सोचा कि नहीं, अभी भी देखो मेरे हाथ में क्या है। आप ये सोचो कि इतना बड़ा, इसीलिए इतना मुझे टेंशन हो रहा था इसको देख देख के, बस ये सोच के कि टचुड मीन्स नारायण की कृपा थी कि सच में किसी को कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े आप सोच रहे, दीवार टूट के गिरी है, अगर किसी को कुछ हो जाता तो क्या होता। बहुत स्ट्रेस था, बस फाइनली मैंने बोला कि चलो अपने हाथ में तो ये है नहीं, जनरली मैं जो अभी तुरंत ये वीडियो अपलोड करूँगी। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लग रहा हो, मेरी फैमिली अच्छी लग रही हो, मेरा काम, रेसिपी, कुछ भी अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड, लव यू। अभी मेरे हाथ में ये है, तो आज इसी तरह लव यू, बाय। अभी मैं इसको नीचे फेंकने जा रही हूँ।